हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस साल की आखिरी एकादशी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही गुरुदेव के सभी उपाय जो सरल हैं आप कर सकते हैं आसानी से, वही आप सभी को मैं बताने समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले पंचांग पर आप स्वयं देख पा रहे हैं, पंचांग में जो होती है वह जानकारी हमेशा ही प्रमाणित होती है। ऐसे में जो एकादशी है उसका व्रत आप जो गृहस्थ जन है उन्हें कब करना चाहिए, पारण का क्या समय रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप प्रमाण सहित जानेंगे। जैसे कि यह साल की अंतिम एकादशी है और अपने आप में सफला एकादशी अर्थात सभी कार्यों को सफल करने वाली नाम से ही विदित है। तो गृहस्थ जन है, जो हम सभी जन है, वह 19 दिसंबर 2022 को एकादशी का व्रत करेंगे और इसी दिन जो है हम उपाय इत्यादि भी करेंगे। यह उदया तिथि के अनुसार हो रही है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कब से यह शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इसके साथ ही आप सभी को पारण का समय भी बता दूं। पारण अर्थात व्रत खोलने का समय 20 दिसंबर के दिन सुबह 8:05 से 9:13 के आसपास इस एकादशी सफला एकादशी को व्रत खोलने का शुभ समय हो रहा है। इस तरह से यह व्रत 19 दिसंबर को किया जाएगा और 20 दिसंबर को इस व्रत को खोला जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है अपने आप में। इस दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एकादशी के व्रत करने चाहिए और यह व्रत अपने आप में बहुत फलदायी माने जाते हैं। जीवन को सफल बनाने और वैकुंठ में एक निश्चित स्थान प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत की गुरुदेव ने हमेशा ही हमें महत्वता बताई है। तो आप एकादशी का व्रत ना भी कर सके तो श्रीहरि विष्णु भगवान शिव की विधि विधान से पूजा आवश्यक रूप से करें। अब देर ना करते हुए गुरुदेव के सरलतम जो आप उपाय आसानी से कर सके, जिसमें कि आप रोग मुक्ति, धन संपदा, वैभव, नौकरी इत्यादि दिलाने और सुख समृद्धि, संतान, सुख प्राप्त करने वाले यह सरलतम उपाय हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय इस तरह से है, गुरुदेव कहते हैं एकादशी के दिन जो व्यक्ति, आप सामान्य तौर पर अगर भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो इस दिन आपको लगता है पितृ प्रसन्न नहीं है, घर पर अशांति का सा माहौल है, तो आप सभी या तो घर पर बैठकर या भगवान शिव के मंदिर में या अपने घर के ही मंदिर में या मटका परिंडा जो भी आपके घर के पास है, पितरों का स्थान है, सबके घरों में अलग अलग होता है, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे। तो स्वधा 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 इस 3 बार इस महामंत्र को बोलना है। यह पितरों के लिए होता है, गुरुदेव कई बार यह कथाओं में बताया है। साथ ही स्वधा स्रोत का भी आप इस दिन पाठ करते हैं घर के मंदिर में तो काफ़ी शुभ फलों की यह प्राप्ति करवाने वाला होता है। यह स्वधा स्रोत आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जो किताब इत्यादि भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप इसे डाउनलोड कर श्रवण कर सकते हैं। तो पहला इस तरह से गुरुदेव द्वारा दिया गया यह उपाय है। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए क्या करना है। गुरुदेव कहते हैं आप सभी सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएंगे तो अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51, 108 जितनी भी आप बेलपत्री साफ स्वच्छ तोड़कर अगर उन्हें शहद में डुबाकर शिवलिंग का श्रृंगार कर देते हैं तो काफ़ी इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनोकामना पूर्ति करने में यह सहायक है। इसके बाद जो भी कार्य करें, अपने पितरों से, महादेव से झोली पसार कर जो अपने मन की पीड़ा है, जो मनोकामना है, वह जरूर से करें और आवश्यक रूप से एक घी का दीपक आवश्यक रूप से लगाएं। यह 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय इस तरह से है, इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर तुलसी दल जरूर से समर्पित करना चाहिए। या तो आप 108 तुलसी की माला बनाकर अपने आप से 108 तुलसी की मंजरी की माला का उपाय, इससे पहले में मैंने आप सभी से शेयर किया था, तो आप सभी को तुलसी की 108 मंजरी एकादशी से एक दिन पहले तोड़ लेनी है। द्वादशी के दिन इसे बनाकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में अगर आप श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं तो काफ़ी यह शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। अगर आपके पास 108 मंजरी नहीं भी हैं, जितनी भी हैं, अगर श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करते हैं तो भी यह काफ़ी शुभ फलों की आप सभी को प्राप्ति करवा। इसके साथ ही अगर आप एकादशी के दिन कुछ भी ना कर सके तो मैं हमेशा ही कहती हूँ अपने घर के मंदिर में या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में केले वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, इन 4-5 जगहों में से कहीं भी अगर आप जाकर श्रीहरि विष्णु भगवान शिव का ध्यान स्मरण करते हुए दीपक लगा देते हैं और पूरे दिन भर में निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हैं तो काफ़ी आप सभी को शुभ फलों की इससे प्राप्ति मिलेगी। गुरुदेव की कथा में उन्होंने
हमेशा ही हमें एकादशी के महत्व के बारे में बताया है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, ज्योतिष में इसमें वर्णन मिलता ही है। प्राचीन समय से ही श्रीहरि विष्णु के भक्त एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं। किसी कारण से एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो इन कार्यों को कर जहाँ तक संभव हो पूरे दिन भर में, आप भले ही संभव हो तो एक माला का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, या चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर से करें। इस तरह से सरल भाषा में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। महत्वपूर्ण रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।